तो देख सकते हैं ये दोनों को क्या कर रही हो। अभी तक सोई हुई है और लिटरली 9 बज गया है, 9:30 होने वाला है। और वेदर देख सकते हैं काफी ज्यादा। कहाँ जा रही हो? चांदनी जाके ब्रश करो। देख सकते हैं ये सबको और वेदर बहुत ज्यादा ही ठंड। हाँ आजकल वेदर बहुत ज्यादा ठंड है। और पता नहीं वेदर में तो दिखा रहा था धूप निकलेगा दोपहर के टाइम, अभी नहीं। तो इसलिए बालकनी से मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। देख सकते हैं काफी ज्यादा ठंड है। हाँ गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और काफी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, इट्स ओके बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और देख सकते हैं ये सब। अभी तक 10 बजने वाला है लिटरली और अभी तक सब सोई है क्योंकि ठंडा है इसी वजह से। और अभी तो फिलहाल मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, तो मैं जा रही हूँ ब्रश करने और चांदनी भी जा रही है। चांदनी कहाँ हो? और ये दोनों का स्कूल आजकल बंद है इसलिए रह रही है घर पे ही। और इन लोगों का प्री बोर्ड भी स्टार्ट होगा इसीलिए। क्या कर रही हो चांदनी? चांदनी का सुबह सुबह इयररिंग गुम हो गया था एक, तो उसी का पेज ढूंढ रही है लगाने के लिए। इयररिंग तो मिल गया लेकिन पेज नहीं मिला। एक सेकंड, ये देख सकते अपना इयररिंग का पिटारा खोल ली है। बहुत सारा इयररिंग है इसके पास, ले लूँ एक दो? एक दो ले लूँ? नहीं तुम्हारे पास इससे ज़्यादा। पापा मम्मी आ गए। हाँ आ गए पापा मम्मी। अच्छा हम ये इयररिंग ये तो बहुत अच्छा, ये मेरा था बट ये ले ली। तू बोलो तो मैं ले लाई थी। नहीं ये मैं अपने ले लाई थी लेकिन हम ले लिए ना बस। चलो देख सकते हैं काफी ज्यादा बिजी है। चलो ब्रश करने चलो चलो। हो गया। सो गाइज मम्मी पापा गए हैं मछली लाने और मछली आ भी चुका है नीचे है। तो चांदी फिलहाल जा रही है नीचे, कुछ नीचे ही वॉश होगा क्योंकि हमारे किचन में नॉनवेज नहीं होता है इसीलिए। तो चांदी जा रही है आटा लेते जाओ धोने के लिए। ऊपर से लाते हैं पहले बर्तन उसी में। हाँ हाँ उसी में जाओ लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे मम्मी वॉश कर रही है मछली मम्मी पापा मिल के। और मम्मी को काफ़ी अच्छे से आता है धोने, तो मम्मी ही धोती है हमेशा जब भी मछली आता है। तब तो आप देख सकते हैं ये छोटी वाली मछली है, इसको हम लोग बस फ्राई करके खाएंगे और काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये हो रहा है वॉश। और एक और मछली आया था, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा है और इसको भी वॉश करने में काफ़ी मेहनत लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आई डोंट नो कौन सी मछली है, मुझे इतना पता नहीं मछली के बारे में। एक्चुअली बहुत टाइप की मछली होता है, तो देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा है ये। और ये मछली आया था ग्रेवी के लिए क्योंकि वो सब हम लोग फ्राई करके खाएंगे और जनरली बड़े मछली का ग्रेवी लगता है। तो ये आया बड़ा मछली, तो इसको भी वॉश करेंगे हम लोग। तो ये ग्रेवी में हम लोग खाएंगे, काफ़ी अच्छा लगता है इसका। तो देख सकते हैं बहुत मेहनत लगता है मछली वॉश करने में और सब नहीं वॉश कर पाता है, जिसको आता है वही अच्छे से वॉश कर लेता है। तो देख सकते हैं। सो गाइस लास्ट में जाएगा ये आटे के साथ सारा मछली धोआता है क्योंकि इसका जो भी टेस्ट आता है ना कुछ अजीब सा, तो वो निकल जाता है स्मेल जो होता है मछली में वो, इसीलिए तो आटे में इसको डाल के लास्ट में और इस तरीके से किया जाता है ताकि जितना भी स्मेल है निकल जाए। तो कौन आटा मुझे का दिमाग लगाया इसके बारे में जो मैं बता दी हूँ ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। सो गाइस देख सकते हैं वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है लिटरली। और अभी मैं हूँ हॉल में, सबसे ऊपर एक हॉल है बना हुआ जो फिनिशिंग नहीं हुआ है, वहीं पे हूँ और यहीं पे बनेगा मछली। और इतना ज़्यादा ठंडा है कि हम लोग जा रहे हैं आग जलाने लिटरली। हम लोग के पास लकड़ी वकड़ी सब है तो अभी जा रहे हैं, चलो जाने। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी है, हम लोग लेके जा रहे हैं इसको लेके चलो। तो पहले इससे ये किया जाएगा। हाँ जी कागज भी है और छोटा छोटा लकड़ी को ना मैं लेती हूँ। वो बड़ा लकड़ी है क्या हुआ? प्रेस को देख सकते वो गैस लेके आया नीचे से, तो यहीं पे बनेगा। हाँ मतलब सिलेंडर सिलेंडर और ये बिना ये का उछल रहा है। चलो और हम लोग अभी आग जलाएंगे। ये चेयर नहीं लाया प्रिंस? एक दो को चेयर लेते आओ ना, जल्दी से एक दो को चेयर ले आओ ना जब तक तुम्हारा आग जल जाएगा।
इसको देख सकते हो, चलो चल के काम कर रहा है। इतना ज्यादा ठंडा है बिना कुछ पहने हुए। क्या हुआ चांदी, मिला? और इधर ये है, इसको भी हम लोग जलाएंगे, इससे भी बहुत अच्छा जलता है। ये कागज ले लो, कागज कागज हाँ ले लो। और माचिस, माचिस नहीं लो, इसको लेके जाओ तो हम एक दो को लकड़ी और लेके आते हैं। सो गाइस ये सब लकड़ी है जो फालतू है, तो हम लोग इसको जलाएंगे। आ है ठीक, जलाओ। जलाने आता है जाने? अच्छा रुको, मारे तुम्हारे ठंडे ठंडे पैरों को क्या? एक चिमकी रहता दी, तुरंत जल जाता। नहीं कागज अंदर रखो ना जी, बस काफी है। नहीं इसमें पकड़ेगा ना सब अच्छा से। इसको ऊपर रखो, एक आध पतला पतला लकड़ी। रुको ना पहले, जलाने उलाने आता है तुमको? हाँ आता है। इसमें जलाना, इसमें देखो। जा जा जला देता अभी, बस बूत जा उसके बाद बताते हैं। बचपन में यही काम तो करता रहता था। हाँ ये जलाता था बहुत ज्यादा। हम और चंदा आग जलाए दो, हम और चंदा आग जलाए तो दो चिमकी जलाना पड़ा था। एक बार जलाया जल गया, पूरा बुत गया था। इतना भी मत करो, इसको थोड़ा जल्दी दो, ओवर मत करो, बस इतना ही छोड़ दो थोड़ा इसको। सो हमारा आग जल चुका है, नहीं आएगा, वो बुत जाता है तुरंत। देख सकते हैं एक्सपर्ट इज फेल। लाओ पॉलिथीन ही लाओ यार, लाओ पेट्रोल में रखती है। रुको, ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर रखो। रुको तो देखो ना, ये कुछ भी जलने नहीं दिया लड़का, दोबारा करेगा। अरे तुम लोग अंदर से अच्छा से रखी ही नहीं, चुप रहो। ऐसे कौन रखता है यार, हट जाओ उधर से। इतना करने के बाद भी हमारा जल गया आग नहीं जला है, और एक्सपर्ट उधर घूम रहा है। आ जाइए एक्सपर्ट, नहीं जलेगा, मम्मी से ही जलेगा आग। हम और चंदा से जल गया, हम लोग बहुत ट्राई किए। अरे हम और चंदा से जल गया, रुकना मत, देख सकते हैं। हेलो तो घर में बने थे ना, जल रहा है, देखो ना जल रहा है, धुआं तो जला। हाँ अंदर से जल रहा, वो चिमकी धरा हुआ। अरे काहे फूंक रहा है यार, तो देख सकते हैं एक्सपर्ट। घंटा हो गया अभी तक नहीं जला, कैसे करेगा। और यहाँ पे हो रहा है हमारा तैयारी मछली का, तो मस्त हम लोग पहले ये वाला मछली फ्राई करेंगे, छोटा वाला, इसको रोटी के साथ खाया जाएगा। क्या हम लोग का मछली बनेगा, आग नहीं जलेगा हमेशा। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली अब मम्मी जलाएगी। अथिया कान डाल देती है, क्या प्लास्टिक? अरे कौन माचिस था क्या? जा रहा तू पहले बार रखो करते हुए था ना। देखिए गाइस मेरा आग जल चुका है फाइनली, दिखाओ ना। अच्छे से जलेगा तब ना, अच्छे से नहीं जला। तो यहाँ पे फ्राई वाला मछली छोटा वाला, जाओ ब्रश हो गया ना प्रिंस यार, बस क्या क्या है मसाला में? लहसुन और हल्दी और मिर्ची, जीरा, हल्का सरसों, नहीं जीरा बोलते नहीं होता इसमें, बस सरसों मिर्ची और हल्दी, नमक। बस हल्का ही तो गाइस हमारा आग जल चुका है फाइनली, मम्मी ही जलाई, वो लड़का गया ब्रश करने। और यहाँ पे हमारा मछली भी तैयार हो गया, इसको हम लोग जनरली खाते हैं रोटी के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है इसको हम लोग। ये
ये कौन सा मछली है? छोटा मछली। और ये कौन सा मछली? किचना मछली। किचना, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है वो छोटे वाले में, और हल्का सा मसाला डाल के हम लोग फ्राई करके खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें भी वही मसाला जाएगा ना मम्मी? नॉर्मल वही सब मसाला रहता है मछली में, हम लोग डालते हैं सरसों वाला। सरसों लहसुन, धनिया, सरसों लहसुन, मिर्ची और हल्दी पाउडर। और देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी करके हम लोग फ्राई करते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। और प्रिंस को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा अच्छा मछली बनाती है। लाइक कहीं भी चली जाएगी, नानी घर, दादी घर, कहीं भी अगर मम्मी रही तो मम्मी को ही बोला जाता है मछली बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी बनाती है, इसीलिए है ना मम्मी। और हम लोग का आग भी बहुत अच्छे से जल चुका है, प्रिंस से तो नहीं जला। प्रिंस जब भी छूता था ये मतलब ख़राब हो जाता था, तो फाइनली। और बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए थोड़ा सा तो जलाना बनता है, क्योंकि रूम में उतना ठंडा नहीं लगता है, लेकिन बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो अब खाना रहा है ये छोटा वाला मछली, और ये हम लोग का हो चुका है, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में। हम लोग आएंगे खाने, ठंडा सामने आ रही है। और ये आ गया ये लड़का, इससे नहीं हुआ, रोटी लेके नहीं आया। तो कुछ बिछाओ ना बैठने के लिए, देखो उधर योगा मैट बिछाओ, बहुत टेस्टी बनाया। नमक उमक सही है मम्मी? तो फाइनली आ गई है, चलो खाया जाए। इतना कम रोटी क्यों लाई? उधर कर दो मम्मी के साथ। गाइज फाइनली देख सकते हैं यहाँ सब बैठ के खा रहा है कि अरे क्या हो गया तुमको, धुआं लग रहा है क्या? बहुत आग के पास बैठी थी। कैसा है प्रिंस, मछली एक्सपर्ट? बैठ गए मम्मी, हम रहे हैं, मजा आ रहा है। इसको कॉलेज में मिलता नहीं है ये सब, इसीलिए इसमें कुछ नहीं खिलाता हूँ यार, पता नहीं क्या बना खिलाता। सो गाइज देख सकते हैं हमारा जो मछली है वो रेडी हो चुका है, लाइक मछली वाला कढ़ी वो, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बस इसमें धनिया का पत्ता ऐड करना बाकी है, और काफ़ी टेस्टी मम्मी बनाती है। और ये आग पे बन रहा है, देख सकते हैं आग पे मछली बहुत टेस्टी बनती है। सो गाइज फाइनली हम लोग खा चुके हैं मछली, और काफ़ी टेस्टी बना था, है ना चांदनी? चांदनी से पूछ सकते हैं। हाय नहीं बाय हो रहा है, और अभी शाम हो गया, देख सकते हैं काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, तो हम लोग यहाँ पे आग जला रहे हैं। और अभी हम लोग खाए तो काफी ठंडा लग रहा है। कैमरा ऑन होने वाला है, चंदा क्या की दिखाने के, कैसे लग रहा है, हम कैसे लग रहे हैं चुप। और काफी ज्यादा ठंडा बढ़ गया, तो आप लोग भी थोड़ा आग जला के सेक लिया कीजिए, अच्छा रहता है। नहीं आग जला सकते, हमारे घर पे आ जाइए, हम आपको आग का सुविधा देंगे। चलो ठीक है, तब यहाँ पे जला हुआ आग, क्या करियो चंदा तुम? और काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा ठंडा है कि बता ही नहीं सकते हैं। चाने क्या करियो तुम, अपना काम ढक रहे हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, और अब हम लोग जा रहे हैं, बस थोड़ा आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। बोलते हाँ।